students, I hope you all are good. Okay, so today in this video lecture we will do GK. Okay, so you have to take out page number 229. आपको पेज नंबर 229 निकालना है. ओके, देन यू कैन सी न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4. ओके, सो लेट अस डू चैप्टर नंबर 4, दैट इज वर्ल्ड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में. ठीक है, सो लेट अस सी दिस येलो पोर्शन. ओके, सो फर्स्ट इज ओवर हियर रिटन द प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कंट्री होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट इन द गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है ना, वो हाईएस्ट पोस्ट होती है गवर्नमेंट में. ओके, एंड दे लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री. और वो क्या, उसका वर्क क्या है, वो हमारे बारे में सोचते हैं. ओके, हम लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द पीपल, मतलब हमारे गुड, हमारे अच्छे के लिए वो वर्क करते हैं. ओके, सी हियर, नेल्सन मैंडेला रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज विथ F.W. De Klerk in 1993. ओके, सी दिस पिक्चर इज ऑफ नेल्सन मैंडेला. ओके, ये है नेल्सन मैंडेला के पिक्चर. ओके, सो ही वॉज अ नेल्सन मैंडेला रिसीव द नोबल पीस प्राइज. उसको एक नोबल प्राइज भी मिला था इन 1993 में. ओके, एंड नेल्सन मैंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन जेल. वो जेल में थे 27 ईयर्स तक. ओके, और आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम जेल ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. सो हियर इट इज रिटन, आफ्टर ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. कौन से ईयर में, 1994-1999 तक. ओके, सो पहले नेल्सन मैंडेला थे, वो उसको पीस प्राइज मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है कौन से ईयर में, 1993 में. ओके, और वो 27 ईयर्स तक जेल में थे. आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ जेल ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल ही बिकेम द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के इन 1994-1999 तक. ओके, ही पास्ड अवे इन 2013 में उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर्ड हो गए. ओके, नाउ ओवर हियर, शेख मुजीबुर रहमान वॉज द फाउंडिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश. ओके, सो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो नेता थे, संस्थापक नेता थे किस, कौन से देश के, बांग्लादेश के. एंड ही सर्व्ड ट्वाइस एज द कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड वॉज ऑल्सो नोन एज बंगा बंधु. वो कंट्री के टू टाइम्स प्रेसिडेंट बने एंड बंगा बंधु नाम से जाने जाते थे. ओके, सो शेख मुजीबुर रहमान वॉज द फाउंडिंग लीडर, वो एक लीडर थे किसके, बांग्लादेश के. एंड ही सर्व ट्वाइस एज अ कंट्रीज प्रेसिडेंट, दो बार वो प्रेसिडेंट बने. ओके, एंड वॉज नोन एज बंगा बंधु, उसका नाम बन गया था बंगा बंधु. ओके, इन बांग्लादेश. नाउ ओवर सी ओवर योर फैक्ट फाइल, नेल्सन मैंडेला एंजॉयड बॉक्सिंग एज अ हॉबी. सो नेल्सन मैंडेला की हॉबी क्या थी, बॉक्सिंग, उसको बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता था. ओके, नाउ सी दिस येलो पोर्शन, यू हैव टू टेक अ पेंसिल एंड यू हैव टू टिक मार्क करेक्ट आंसर. ओके, सो फर्स्ट इज नेल्सन मैंडेला रिसीव्ड The Nobel Peace Prize in the year, कौन से ईयर में, 1993, कौन से ईयर में उसको नोबल प्राइज मिला था नेल्सन मैंडेला को, 1993 में. ओके, सो यू हैव टू टिक ओवर हियर, 1993 सी नंबर में है, उसको टिक करना है और यह ब्लैंक में आपको 1993 लिखना है. डन एवरीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट, who was popularly known as बंगा बंधु. बंगा बंधु के नाम से कौन जाना जाता था,
इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर शेख मुजीबुर रहमान। यस, शेख मुजीबुर रहमान। ओके, सो यू हैव टू टेक ऑन 3 नंबर। ओके ओके, सो नाउ सी, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट वी विल डू पेज नंबर 230। वहाँ पे एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे। आपको पेज नंबर 230 निकालना है, 230 पेज नंबर निकालिए। ओके, और सी यहाँ पे टिक मार्क द राइट आंसर है, आई विल डू द राइट आंसर, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। ओके ओके, सो फर्स्ट वन, हु इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के 45 में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन, डोनाल्ड ट्रंप, थर्ड बराक ओबामा। इट इज ए में राइट आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो 2 नंबर जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। ओके, नाउ सेकेंड बी, द यूके डज नॉट हैव अ प्रेसिडेंट, यूके में प्रेसिडेंट नहीं है कोई, ट्रू या फॉल्स? इट इज फॉल्स। ओके, तो बी में ट्रू में आपको टिक मार्क करना है। नाउ थर्ड वन सी, नेल्सन मैंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, वो भी हमने देखा। ओके, बांग्लादेश, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? यस, साउथ अफ्रीका, राइट। सो सी में 3 नंबर साउथ अफ्रीका लिखा है, वहाँ के आपको टिक मार्क करना है। ओके डन। ओके देन डी, विच ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव प्राइम मिनिस्टर, कौन से कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नहीं है? इंडिया में नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, कि यूएसए में नहीं है? यूएसए में नहीं है। ओके, सो डी में ऑल्सो नंबर 3, उसके यहाँ पे टिक मार्क करना है। नाउ ई, हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14th प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी। इट इज रामनाथ कोविंद। ओके, नंबर 1 पे आपको टिक मार्क करना है। ओके डन। ओके, नाउ यू सी द पिक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो। ओके, ये कौन, ये लेडी का नाम क्या है? ये लेडी का नाम एलिजाबेथ है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर के आगे कहीं भी, यहाँ पे या यहाँ पे आप एलिजाबेथ लिखेंगे। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, यू हैव टू राइट लाइक दैट। ओके, यू हैव टू राइट लाइक दिस, पिक्चर के आगे लिखना है ऐसे। ओके, नाउ थर्ड वन, देखिए नीचे क्वीज टाइम है, वी विल डू दिस दैट क्वीज टाइम। नंबर ए, ए हु वाज द यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ही वाज राजीव गांधी। ओके, सो राइट हियर आर ए जे आई वी, राजीव गांधी। ओके, यहाँ पे ही आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद ही आपको लिखना होगा। ओके, नाउ बी, हु इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 15th प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के अभी? यस, नरेंद्र मोदी। ओके, ही इज द 15th प्राइम मिनिस्टर, राइट हियर नरेंद्र मोदी। नाउ सी, व्हाट वाज इंदिरा गांधी आल्सो नोन एज, ये भी हमने फैक्ट फाइल में देखा कि इंदिरा गांधी को कौन से नाम से जाना जाता था, किसने ये नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और क्या नाम दिया था? प्रियदर्शनी। ओके, सो राइट हियर प्रियदर्शिनी। ओके, आफ्टर दैट डी, साउथ अफ्रीका डज नॉट हैव अ प्रेसिडेंट एनी मोर, अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है साउथ अफ्रीका में, इट इज ट्रू? यस, इट इज ट्रू। तो आपको ट्रू के ऊपर टिक मार्क करना है। ओके, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है।
एंड ई एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द डैश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओके सो हियर यू हैव टू राइट प्रेसिडेंट PRESIDENT प्रेसिडेंट ओके ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 4 इन आर टुलिप्स और CW की चैप्टर नंबर 4 की PDF आपको मिल जाएगी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू